भाई ये हेडर इतना हैवी है, कंबाइन खड़ी हो गई। ओह भाई आगे हो गया। तो लो भाई आखिरकार अपना भाई प्याज कटी गया, दोनों हार्वेस्टर अपने खड़े हो गए हैं। तो लो गाइस आखिरकार भाई 5 घंटे के बाद कौन कट गई भाई अपनी, 5 घंटे लग गए टोटल। चल भाई फटाफट बेच के इसको देखते हैं आज कौन से कितने पैसे मिलने वाले हैं। टोटल आज कितने का फायदा हो जाएगा भाई, 10 मिलियन का हो जाएगा क्या? तो पिछले वीडियो पे आपके भाई कई भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, बहुत प्यारे प्यारे भाई, सबका दिल से शुक्रिया है, दिल से धन्यवाद है। हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर्स चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 यानी कि FS19। तो पिछली बार भाई मैंने कई सारे खेत खरीदे थे यहाँ पर 2 नंबर से लेके और 9 नंबर तक, तो इसको मैंने मिला के और भाई यहाँ पर लगाइए मैंने कॉर्न और 42 नंबर खेत जो अपना की है 200-250 एकड़ का, तो वहाँ पे मैंने लगाया भाई प्याज। तो अपनी दोनों फसलें पक चुकी हैं काफ़ी दिनों के बाद, 3 दिन हो चुके हैं आगे। तो चलते हैं जल्दी से उस खेत में, पहले 42 नंबर पर चलते हैं भाई क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर चल के और मैं 2 हेल्पर लगा देता हूँ, और अभी तक मैंने मशीनें वगैरह भी नहीं ली किराए पर, उनको भी ले लेता हूँ जल्दी से। तो चलते हैं स्वराज को लेके, और मैंने ये लगा लिया सिम डैशबोर्ड, आपको स्पीड वगैरह नज़र आ रही होगी इसमें। तो भाई इसमें गियर वगैरह तो नहीं है तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा थोड़ा, तो इसमें सिर्फ स्पीड नज़र आ रही है। और ऊपर देखोगे तो मैंने भाई LED वगैरह लगा रखी है। और काटते हैं इसको अपने स्वराज को भाई सीधा सीधा। और कॉर्न भी अपनी भाई देखो पक चुकी है फर्स्ट क्लास, ये भी भाई काफ़ी बड़ा खेत हो चुका है, शायद 150-200 एकड़ का तो होगा ये भी। तो इसमें यार थोड़ा सीधा नहीं चलता आपको पता ही है, लेकिन FS22 के अंदर भाई बहुत मस्त चलता है स्टेयरिंग। इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये स्टेयरिंग के हिसाब से गेम बनी नहीं है। तो लो भाई आगे इस खेत के ऊपर, और ये अभी अपना खेत, एक मिनट भाई चेक कर लें। हाँ भाई प्याज लगी हुई है फर्स्ट क्लास। और एक सेकेंड रुकना यार, ज़रा मैं स्टेयरिंग की इसकी ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है कि बहुत हैवी हो रहा है, इसको ज़रा चेक कर लूँ एक सेकेंड। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा 200-250 पे तो सही चलेगा। चलो ठीक है, तो चेक कर लिया था वैसे तो मैंने पहले, लेकिन गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे लगाते हैं भाई अपनी शॉप को, और 2 चाहिए भाई प्याज काटने के हार्वेस्टर। तो ये होता है भाई प्याज काटने के लिए, ये मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा के, क्योंकि भाई अभी प्याज कितना मिलेगा कोई पता नहीं है, अभी इसको कर लेते हैं 2 किराए पर क्योंकि ये तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। और अब चलते हैं इसके अंदर, तो ये होता भाई प्याज काटने के लिए। तो ये मेरे पास है बहुत बड़ा 14 मीटर का, 16 मीटर का भाई, 16.7 यानी 17 मीटर का ही समझ लो। तो इसको 2 ले लेते हैं किराए पे, और इन दोनों को लगा देते हैं क्योंकि यार 2 बहुत होंगे। और देखता हूँ हेडर भाई वहाँ चलेगा, तो इसके हेडर में भी ये गड़बड़ है कि हेडर इसके उल्टे हैं, तो इसको निकालते हैं। हाँ अब सही है भाई स्टेयरिंग, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है कभी कभी। तो स्पीड आपको नज़र आ रही होगी बढ़िया। तो ऊपर मैंने LED लगाई है लाइट के लिए, तो वो पावर बताती है कि कितनी पावर के साथ चल रही है अपनी गाड़ी। तो ये कहाँ पर है इसका सेंटर, एक मिनट, शायद यही लगता है, यही लगता है भाई सेंटर यहाँ पे। हाँ भाई यही है। चल भाई ओके, इसको निकालते हैं, इसको यार इसको उधर लगा के आते, तो इसको ले चलता हूँ उस तरफ कोने पे। और अब देख रहे हैं स्टेयरिंग को ज़्यादा लचीला हो गया, तो पता नहीं कई बार क्या हो जाता है सेटिंग वेटिंग कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलो मैं इसको अभी थोड़ी देर में सही कर लेता हूँ। तो 2 यहाँ पर बहुत रहेंगे, और वहाँ पर आज हम काटेंगे अपने हिंद के साथ, और हिंद मैंने अभी ली नहीं है, हिंद मुझे अभी ख़रीदनी पड़ेगी, हिंद कंबाइन, तो जिसे राजपूत भाई ने बना के बनाया था काफ़ी टाइम पहले। और एक है भाई अपनी हीरा, और एक है अपनी धालीवाल गेमिंग की स्वराज, स्वराज 855 का हार्वेस्टर कंबाइन है अपने पास, उससे काटेंगे आज अपनी कॉर्न। और उसके हेडर वगैरह मेरे पास नहीं है तो हेडर मैं लूँगा अभी। तो पहले मैं ज़रा यहाँ पे इनको फिट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे खेत पे कॉर्न काटनी है। तो अपने पास अभी तक हुए हैं भाई $9 मिलियन, और मुझे इसमें कमाने हैं 100 मिलियन। तो देखता हूँ कितने दिन में होंगे, तो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं यार, एक मिनट। तो ये गेम चलती है भाई FS19 और FS22 चलती है कीबोर्ड से और इससे, दोनों से, तो भाई एक इकट्ठी नहीं चलती। तो इसको करते हैं अनफोल्ड, पहले अनफोल्ड भी होगा भाई, जल्दी से हो जाए भाई अनफोल्ड। और अब करते हैं इसको ऑन बी से,
अभी होगा नहीं, जब तक अनफोल्ड नहीं होगा तब तक भाई काम नहीं चलेगा। लो भाई प्याज अपनी कटने लगी यहाँ पर बढ़िया सी, और यहाँ लगा देते हैं हेल्पर। ठीक है भाई, सिद्धू पाजी आ गए हैं, संधू पाजी पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं हार्वेस्टर के अंदर। अरे ट्रैक्टर में क्यों आ गया भाई, एक मिनट यार, इसको साइड में कर दूँ क्योंकि बीच में आ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लें इसको, बस ठीक है। अब चलते हैं भाग के दूसरे हार्वेस्टर के अंदर। तो ये होता भाई T440 हॉलमर, इससे भाई सारी फसलें कटती हैं, गाजर वगैरह और सब। इसको पहले मैं खोल लेता हूँ यार जल्दी से, ताकि भाई टाइम ना ख़राब हो। ओके, इसको लेके चलते हैं सेंटर पे, एक मिनट पीछे करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, इसका सेंटर आउट हो जाता है यार कभी कभी। ये इसका जो बनाया है ना ये हेडर भाई ने, वो हेडर उल्टा आता है, हेडर आना चाहिए दूसरी तरफ, लेकिन आता है इस तरफ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको खोल तो लिया मैंने, आप इसको लगाते हैं यहाँ पर घुमा के, एक मिनट। ओके बस ठीक है, पीछे आ थोड़ा सा और बस ठीक है। लो भाई हो गया, कोने पे लगा दिए, एक मिनट देखें आ रहा है। ठीक है, ओके जी, पिकअप आई, ओके ला देने आते और चलाने आना थोड़ा सा पहले आप ही। लो भाई देखो प्याज देख रहे, दोनों तरफ से भाई प्याज आ रही है, उतर जाता हूँ इसमें से, और देखो तो भाई प्याज देख रहे हो यहाँ पे, आपको प्याज नहीं आ रही होगी यहाँ पे, ये देखो ये प्याज है भाई, ये नीचे प्याज आ रही देखो। चलो ठीक है, इनको काटने देते हैं, अब चलते हैं आप स्वराज के अंदर वापस, और चलते हैं अपने खेत पे और निकालते हैं अपने इंडियन कंबाइन और हार्वेस्टर बोल लो, कंबाइन बोल लो, हार्वेस्टर कंबाइन होती है। तो हार्वेस्टर होता है मशीन, और जो उसका हेडर होता है वो होता है हेडर, तब दोनों मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइन। तो क्योंकि वो कंबाइन हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, जब कुछ चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो उनको बोलते हैं कंबाइन करना, यानी कि दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कंबाइन। और स्पीड आ रही है भाई 73 की, और LED जल रही है भाई फुल नीली, भाई फुल स्पीड में जा रहा है। इसकी स्पीड 79 की कैसे हो गई यार, ये तो फुल थी। चलो हो गई होगी। इसमें क्या है कि देखो स्टेयरिंग में थोड़ा सा घुमाता हूँ तो आउट है, देख रहे हो, लेकिन FS20 के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सही चलता, इसमें थोड़ी सी कमी है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी गेम का अपना, हमें तो अपनी फसल काटने से मतलब है। एक मिनट भाई, यहाँ पर दोनों अच्छे पीछे खड़ा हुआ, ओके तो स्वराज को मैं अभी यहीं पर लगा देता हूँ। चलो भाई इसके, अच्छा तो इनके अंदर हेडर नहीं है भाई, हेडर लेने पड़ेंगे मेरे को आज कॉर्न वाले, तो एक काम करना पड़ेगा। अरे यार एक काम करते हैं, स्वराज को भाई बाहर निकाल दे। चल भाई काके तू बाहर चल, हॉर्न क्यों नहीं मारा आज तूने, भाई आज हॉर्न नहीं मारा, नाराज है लग रहा। चल 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 थोड़ा सा भाई इसको बाहर निकाल दूँ, मुझे हेडर निकालने के लिए जगह चाहिए। अभी मैं स्वराज को भाई यहीं पर लगाता हूँ और चलते हैं अंदर। तो पहले मैं हीरो को लगाता हूँ, और इसका हेडर भाई उतारना पड़ेगा पीछे। चल तो पीछे 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 निकल जाएगी, हाँ निकल तो जाएगी, और बस ठीक है। ओके भाई इसका हेडर उतार देते हैं यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा आगे करना पड़ेगा यार, पीछे जगह ही नहीं बची, तो नीचे करके उतारना चाहिए वैसे हेडर, नहीं तो भाई टूट जाता। ओ ओ ओ जगह कम है, ओ भाई फंस गई, ओ आके हो गया, पंगा ले लिया, ओए होए होए वो तो पैप फंस गया। कोई बात नहीं भाई, तो अपन में बहुत ताकत है इसका आपको पता ही है, इसको उठा के भाई मैं इधर कर लूँगा। अबे पकड़ ले भाई, ओए उठा क्यों नहीं रहा भाई, ओ भाई आज तो उठा ही नहीं पा रहा। चल तो क्या हो गया, ये टूल काम क्यों नहीं कर रहा, ओ भाई ये तो फंस गई सच में यार, इसको निकालना पड़ेगा। चल 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 मार झटका, हाँ निकली निकली निकली, निकल तो जाए। अरे हेडर यार बाहर ही उतारना पड़ेगा, एक मिनट यार हेडर को कहाँ पंगा ले लिया भाई बेफालतू में, अरे छोड़ो यार हेडर वेडर, हेडर हेडर को यहाँ पे उतार दे, बस 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 ठीक, तो डाउन करके हेडर को भाई यहाँ उतार देते। हाँ यार वो कोने में भाई उसका पाइप फंस रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। तो इसको निकालता हूँ बाहर, ये अभी अपनी हिंद, ओ हीरा ये, तो भाई इसमें लगा हुआ है 9811 का इंजन,
आई मीन ट्रैक्टर, बस 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 कहके बस। तो यहाँ पे उधर जाता हूँ और भाई यहाँ पे इनके हेडर ले लेता हूँ ना, हेडर भी लगाने हैं। कौन का हेडर? तो यहाँ लगाते हैं भाई अपनी शॉप को। तो शॉप पर जाने की ज़रूरत क्या है, घर पर ही शॉप है भाई हमारे। तो हीरा का हार्वेस्टर था ये, एक मिनट, छोटा है, कितना है, 4 मीटर का भाई। अच्छा। तो इसके अंदर हार्वेस्टर भाई छोड़िए, सॉरी छोटे छोटे हैं ये। कौन के हेडर? 4.6। तो ये सारी फसलें काटेगा ये ट्रैक्टर। ये दो क्यों है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, दोनों की स्पीड कितनी है? 10-10 की। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 50 की और 36 मीटर का है। अरे नहीं भाई, ये यही सही है। तो इसको ले लेते हैं एक किराए पे। इसका मेन कलर कर लेंगे भाई हरा, हाँ, क्योंकि कंबाइन अपनी हरी है यार। स्टैंडर्ड साइज, अरे यार ये कुछ नहीं है वैसे ही है। तो किराए पे ले लेता हूँ फिलहाल अभी, और इसमें चल के लगाता हूँ इसको। और अभी मुझे देखना है स्वराज के साथ भी कोई हेडर आया था कि नहीं, मुझे पता नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे हेडर हैं यार ये, तो इससे तो बहुत धीरे धीरे काम होगा यार। अगर काम स्लो होगा तो भाई मैं फिर बड़ा वाला खरीद के और वो लगा दूँगा। चल भाई हीरा लगा दे। तो ये भाई अपनी हीरा कंबाइन पंजाब की, पीछे पंजाब का नक्शा बना हुआ देख सकते हो भाई, लाल और हरे रंग की और पीले रंग की भाई, क्या जचती है यार। और इसका बीकन भी है भाई देखो ऊपर शानदार। एक दिन पता नहीं हेल्पर कई बार बीकन जला लेते हैं, कई बार नहीं जलाते, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ओ भाई इसका हेडर तो बहुत ही छोटा है, आगे से नज़र ही नहीं आ रहा, पीछे लाना पड़ेगा भाई इसको। हाँ कोने पे, बस ठीक है चलो। और इसको लगाते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा अंदर करके। चल ओके करते हैं भाई डाउन इसको बी से और दबाते हैं। लो भाई कौन अपनी कटने लगी, फर्स्ट क्लास। तो हेल्पर लगा देता हूँ यहाँ। बॉबी और संधू बाजी ने दो दो लाइनें एक लाइन काटी भाई अभी तक, देखो इतनी देर हो गई अभी तक इन्होंने भाई, बॉबी भाई ने एक लाइन और संधू बाजी ने दूसरी लाइन काट रहे हैं। देखो यार बहुत टाइम लगने वाला आज। और यहाँ पर ये क्या हुआ, हेल्पर आ गया है लेकिन काट क्यों नहीं रहा। अच्छा लड़की आई है, ओके प्रहलाद भाई आए, चलो ठीक है प्रहलाद भाई को काटने देते हैं। हम चलते हैं नीचे, कॉर्न अपनी आने लगी। और अब चलते हैं सीधे ही अपने स्वराज के अंदर। कहाँ गया भाई ये खड़ा, और इसको निकालते हैं अब भाई ये अपना दूसरा। तो इसे बनाया था भाई धालीवाल गेमिंग ने स्वराज 855 के साथ। और इसका हेडर मैं यहीं पे उतार देता हूँ अभी फिलहाल, अभी यहीं पे उतार देता हूँ भाई। डाउन कर लेंगे इसको, अच्छा डाउन नहीं होगा ये, अरे एक मिनट, अच्छा भाई डाउन करके इसको, क्योंकि डाउन करने से क्या होता है टूटता नहीं भाई। चल पीछे 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 पीछे। तो इसके लिए हेडर भाई ने बनाया है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने शायद इसको कभी इस्तेमाल नहीं करा कॉर्न के लिए। तो आज कॉर्न काटेंगे पहली बार 855 स्वराज के साथ। तो इस कंबाइन में लगा है 855 का ट्रैक्टर भाई, देखो क्या आवाज है इसका हॉर्न। ये तो लगता है मैंने लगाया था, मुझे याद नहीं यार। चलो तो शॉप तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो यहीं पर अपना हेडर आ जाएगा। ओके यहीं बैठे बैठे खरीदते हैं हेडर और चलते हैं कौन के हेडर में, देखते हैं। स्वराज का हेडर था, अच्छा तो स्वराज का हेडर नहीं है भाई, एक मिनट। तो स्वराज कंबाइन के साथ हेडर नहीं आया, तो यही है इसके साथ भाई ने बनाया नहीं है। तो ये कितने मीटर का है भाई? ये है 9 मीटर का। और ये भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है यार, फिर ये मज़ा नहीं आएगा। ये इसकी स्पीड सही है, इसकी स्पीड भी 42 की है भाई। तो हीरा के मुझे समझ नहीं आया ये दो क्यों हैं, ये मेरे पास है, इसको चेक करता हूँ एक मिनट। इसका साइज, अच्छा इसका साइज भी भाई छोटा है यार। हीरा के बड़े वाले हार्वेस्टर ये भी थे, मुझे ध्यान नहीं है, बड़े वाले हेडर थे यार। एक मिनट रुकना जरा मैं चेक कर लूँ। तो ये अच्छा हीरा का ये वाला था भाई 18 मीटर का, और ये छोटा था, एक मिनट, और इसमें नहीं है। अच्छा ये स्वराज, अच्छा ये है स्वराज का हेडर 5.5 मीटर का, और ये 36 मीटर वाला था। अच्छा तो नहीं है भाई, चलो यही वाला लगा लेते हैं फिर, एक काम करते हैं। तो एक मैंने ये लिया है एक ये ले लेते हैं, एक मिनट एक ये ले लेते हैं। इसका कलर कर लेते हैं भाई रेड, क्योंकि भाई अपनी कंबाइन है रेड। एक मिनट, मैंने सोचा था इसे साइज बढ़ेगा लेकिन इसे साइज नहीं बढ़ता, तो इससे डिज़ाइन आ जाता भाई। अच्छा ऐसे,
चलो डिजाइन क्या करना है भाई, कॉर्नी तो काटने, डिजाइन क्या करेंगे। तो लो भाई इसके साथ लगाया मैंने रेड, तो देखते हैं आज कितना टाइम लगेगा। मुझे लगता है 5-6 घंटे लगने वाले हैं टोटल। तो अब ओके लग जाएगा ये। हाँ भाई बढ़िया सा लग गया। चलो FKA 602M इसका भाई मॉडल नंबर है। चल भाई निकाल इसको इधर। ओके अब ज़्यादा ही लचीला हो गया, पहले बहुत टाइट हो रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा ही लचीला हो गया। अरे भाई खांसी क्यों आ रही है, एक मिनट यार पानी पी लो जरा, थोड़ा सा ग्लास में रखा है। तो ये खेत अगर देखें तो, अरे यार एक मिनट, तो ये और ये खेत दोनों मुझे लगता है बराबर हो गए हैं। ये और थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है, वो थोड़ा चौड़ाई में लंबाई में कम है, बाकी चौड़ाई दोनों की सेम लग रही है। चलो देखते हैं आज कितनी कॉर्न मिलती है, कितने लाख करोड़ की, और भाई कितने मिलियन का प्याज बिकेगा आज अपना। और एक हिंद लगानी है मेरे को, हिंद को मैं लगाऊंगा। चलो एक काम करते हैं इसको, चलो यार कोने पे ले चलते हैं, हिंद को मैं सेंटर में लगाऊंगा। हिंद का हेडर है कि नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया, उसके साथ मैंने शायद वीट काटी थी बहुत टाइम पहले। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है आज। आज भाई सारे टेस्ट हो जाएंगे अपने, मतलब चेक हो जाएंगे कि किसके साथ कौन सा हेडर है, किसके साथ कौन सा हेडर है। तो उम्मीद है कि हेल्पर इनको काट देंगे, क्योंकि सारे खेत तो मैंने मिला ही दिए थे। अब हेल्पर को ऐसा लगेगा कि ये खेत सब एक ही हो गए। भाई जोश जोश में मैं ज़्यादा ही आगे चला गया, थोड़ा वापस करो। और इसकी भाई सैड नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आगे इसका सिलेंसर है और इधर फिल्टर लगे हुए, तो बाहर से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, बस ठीक है, करते हैं इसको डाउन। लो ये क्या हुआ, ये तो काट ही नहीं था, क्या हो गया भाई। ठीक है अच्छा इसको, अच्छा बी से ऑन हो गया, और ओ भाई ये तो काट ही नहीं था, तो ये हेडर नहीं चलने वाला इसके साथ। ओह मुझे लगता है इस हेडर में गड़बड़, आवाज़ तो आ रही है काटने की, आवाज़ आ रही है लेकिन काट नहीं रहा है। एक मिनट भाई बंद कर भाई इसको, एक मिनट इसको भाई उतार के पीछे कर, लगता है इस हेडर में गड़बड़ है। दूसरा वाला लगाता हूँ जो हीरे के साथ लगाया, देखा पता चला। तो मैंने अब कौन सा लिया था हीरे के साथ, एक मिनट अभी पता लग जाएगा। इसको यू इसको लिए हुए कितना टाइम हो गया, एक मिनट इसको वापस करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका है भाई, इसको लीज आइटम में जाके और इसको वापस करूँगा। अगर मैं इसको वापस करने की कोशिश करता हूँ तो ये वापस नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वो इस्तेमाल में है, ठीक है ना। अब ये ले चलते हैं वापस, तो मैंने लिया था कौन सा, ये वाला, तो इसी को लेते हैं एक और। पता नहीं भाई उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, शॉप का लगा लो यार, पहले पता लगा वहाँ पे चला गया, शॉप लगा ली थी क्या मैंने। तो इसको लेते हैं और इसका कलर भाई फिर कर लेते हैं रेड, इसको लेते हैं भाई किराए पे। यार वो काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आई, वो हीरे के साथ काम कर रहा है तो स्वराज के साथ भी काम करना चाहिए। तो धालीवाल गेमिंग भाई इसका हेडर भी तो भेज दो कॉर्न का, ये काम ही नहीं कर रहा, देखो इसके साथ क्यों नहीं काम कर रहा, समझ नहीं आ रही मुझे, करना तो चाहिए था, नहीं तो भाई फिर दूसरे हेडर टेस्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं समझ आया यार क्यों के साथ काम नहीं हो रहा। चल भाई लगा दे, ओके लग गया। एक मिनट इसको यहीं पे चेक कर लेता हूँ डाउन करके, ये नीचे नहीं जा रहा यार, हाँ ये बहुत ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जा रहा। एक सेकेंड कोई ऑप्शन है क्या, नहीं भाई लगता है ये काटने वाला नहीं है ये, क्योंकि जब तक ये बिल्कुल नीचे नहीं होगा तब तक काटेगा नहीं। अब ये हो चुका है डाउन, देखता हूँ इससे कटेगी कि नहीं। ओह तो ये फेल हो गया भाई, चल 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 देखते हैं काट के भाई, कौन कलेक्ट नहीं कर रहा। एक मिनट रुकना जरा यार, रुको 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 रुको, गैराज में चलते हैं, ओन आइटम में चलते हैं और देखते हैं ये हीरा, ये कौन सी है भाई स्टैंडर्ड, अच्छा ये अच्छा, ये मुझे लगता है ये बाकी फसलें काटने नहीं बनाया,
ये दिक्कत है इसमें, ये देख रहे हो कंबाइन और कौन सी है मेरे पास, हीरा ये तो हेडर हो गए, ये देखो इसके अंदर ये आ रही है फसलें, ये ऐसे उसके अंदर आनी चाहिए थी लेकिन आ नहीं रही, तो ये गड़बड़ है भाई। देखो एक मिनट और देखता हूँ भाई, बहुत सारे मोड़ हो रखे हैं इसमें, तो मतलब बहुत सारा माल है अपने पास। ये तोड़ी रिपर हो गया, तोड़ी रिपर अरे कहाँ गया, तो जैसे हीरा कंबाइन में ये निशान आ रहे हैं, ये इसमें नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे ये नहीं समझ आया, मुझे लगता है ये दूसरी फसलें काटेगा। दिस मशीन कैन हार्वेस्ट द इंडिकेट फ्रूट टाइप फॉर ए हार्वेस्टर टू वर्क, इट आल्सो नीड ए सुटेबल हेडर, तो इसके साथ या तो इसका हेडर हो या फिर इसके अंदर भी फसलें नहीं आ रही, देखो ऐसे तो ये नहीं काटेगा भाई लगता, कौन नहीं काटेगा बाकी फसलें काटेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर खड़ा कर देते हैं वापस, इसको बंद कर देते हैं भाई अभी तो, और इसको नीचे करके हेडर को उतार देता हूँ, तो स्वराज से नहीं कटेगा भाई। तो एक काम करते हैं, चलते हैं भाई शॉप के अंदर और चलते हैं हार्वेस्टर के अंदर, कहाँ गए मेरे हार्वेस्टर, अरे ये रे यार, तो हिंद हिंद ये बिजोन का, अच्छा हिंद का भी था भाई, कहाँ गया हिंद, ये स्वराज, ये कौन सा स्वराज है भाई, ये दूसरा स्वराज किसने बनाया था, अच्छा अच्छा ये बनाया था मंजोत तूर पाजी ने, एक मिनट इसको देखते हैं, तो इसमें भी इसमें फसलें आ रही, इसमें फसलें क्यों नहीं आ रही यार, ये नहीं समझ आया। अब जैसे देखो हिंद के अंदर सब नज़र आ रहा है, तो हिंद ये कॉर्न भी काटेगा देखो, चलो तो हिंद को लेते हैं, एक 84,000 की है, इसका मेन कलर रेड है, चलो इसको रेड ही लेते हैं भाई। हिंद 999 और पीछे लिखा है हिंद नाभा और ब्रेवो हिंद, हिंद नाभा और ये है मेड इन पंजाब। इसकी कैपेसिटी कम थी, मैंने इसको बढ़ा के कर लिया 2.5 लाख, तो इसको लेते हैं एक, खरीद लेते हैं यार इसको, लो भाई अपने पास आ चुकी है ये। और भाई ये मैसेज आया किसी का, कहाँ गई और ही, और इसकी लाइटें भाई हमेशा जलती रहती हैं, ये दो आ गए, ओए बंद होगी भाई एक मिनट, हाँ ये अभी इसकी लाइटें और हॉर्न ठीक ठीक है, और पीछे धुआं निकल रहा। तो हिंद का मैंने आज तक एक ही वीडियो बनाया भाई, इसके साथ मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने कौन काटी थी ये अभी ऐसे कुछ, और इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा क्या, एक मिनट नहीं ये अनफोल्ड नहीं होती, और ये इंडिकेटर क्यों मार रही है, अच्छा भाई इंडिकेटर लाइटें शाइटें बंद कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो दिन है। अब इस हेडर को देखते हैं काटेगा कि नहीं, तो हिंद के अंदर ऑप्शन ऐड नहीं कर रखी, मुझे लगता है इस वजह से गड़बड़ हो रही है, इसको लगा के देखता हूँ भाई, लग तो गया, इसको करते हैं डाउन वी से, ये क्या चक्कर है, देखता हूँ ये काटेगा कि नहीं, ओ इसकी स्पीड इतनी क्यों आ रही है भाई, देखता हूँ क्या करता है ये भाई, काट क्यों नहीं रही है, चक्कर क्या है भाई यार, ये हेडर में गड़बड़ तो नहीं है, बताओ यार क्या किया जाए। चल भाई तू इधर चल, तो यार कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रही, इस वो हेडर हीरा के साथ, हीरा का हेडर है, हीरा का हेडर दूसरे में लग नहीं रहा, तो मुझे लगता है इसके साथ दूसरा हेडर लगा के देखते हैं यार, कौन काटनी मुश्किल होगी भाई ये, एक मिनट मेरे पास ये भी है कैपेलो का, और ये भी है एक, इसकी स्पीड 12 की है और 12 मीटर का है, 10 की स्पीड, तो ये किसके साथ लगेगा, ये दूसरे हेडर के साथ लगता है, ये बड़ा है मॉडिफाई करा हुआ है बहुत तगड़ा, इसको लेता हूँ एक, ये कौन वगैरह सब काटता है, इसको लेते हैं भाई लाल रंग का, ये चलो अच्छी बात है, तो कलर चेंज नहीं करना पड़ा, तो चलो पहले, अरे यार इससे भागेगा नहीं। मैं बंदे को भी स्टेरिंग से भगा रहा हूँ। यार ये गेम में कन्फ्यूजन रहता है ना कि बंदे को भगाना है कि किसको भगाना, तो इसके साथ एक बार पहले मैं रेस्ट कर लेता हूँ इस हेडर को लगा के बड़े वाले को, तो भाई चल भाई लगा इसको, पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, हो सकता है वो जो हार्वेस्टर है वो हीरा के हिसाब से बना हुआ है इसलिए वो काट नहीं रहे, हो सकता है ये वाले काट दें। भाई ये हेडर इतना हैवी है, कंबाइन खड़ी हो गई। ओह भाई आगे हो गया, कंबाइन भारी करो भाई, कंबाइन के पीछे बेटर लगाओ। एक काम करते हैं इसको खोलता हूँ, खोल के शायद नीचे चली जाए। ओह भाई ये क्या हो गया।
यार आज क्या हो रहा है भाई, आज क्या हो रहा है? हाँ अब हुआ नीचे, अब ऑन तो हो गया लेकिन ये खड़ा क्यों हो रहा है भाई? अब काट देगा, अब काट तो देगा लेकिन ये हेडर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चल 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 भाई टेस्ट कर लेता हूँ पहले जरा एक बार। हाँ ये काट देगा मुझे लगता है क्योंकि नीचे टच कर गया ना बिल्कुल। हाँ जड़ से काट देगा, ये देखो ये काट रहा है, लेकिन ये गड़बड़ है कि ये बहुत हैवी है। तो एक काम करते हैं इसको बंद कर लेते हैं अभी। भाई हार्वेस्टर को देखो यार, भाई मेरे, ओ भाई तो ओए किधर जा रहा है इधर। चल छोड़ दे भाई, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। तो इसके साथ हल्का, इसके साथ छोटा वाला लगाना पड़ेगा। यार क्या हो रहा है आज, सच में मजाक ही हो रहा है। एक तो एक काम करता हूँ, देखता हूँ हिंद में कितनी पावर है। हिंद अगर उसको उठा लेगा तो भाई मैं फिर उसको लगा लेता हूँ, क्योंकि अब किराया मैंने खर्चा है तो किराए के पैसे भी खराब करे। तो देखता हूँ, हिंद शायद पीछे से बहुत हैवी है, ये इस हेडर को उठा ले। भाई हेडर का बहुत वजन होता है यार, ये मत समझो हेडर हल्का सा होता है। हेडर को उठाने के लिए भाई ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है उसको इधर उधर ले जाने के लिए। ओके इसको दगा के देखते हैं इसको एक बार। तो इसको करते हैं अटैच, ये भाई ये ठीक, खोलते हैं इसको। तो हिंद कामयाब हो गई है, हिंद चल रही सही। एक मिनट चला के देखते हैं। हाँ भाई पहिए देखो नीचे से स्टेयरिंग कट रहा है। चल ओके इसका हिंद को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब उसके लिए एक हार्वेस्टर और लेता हूँ अच्छा सा बस। ठीक है यार थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा। आजा 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 आजा। तो हिंद का हार्वेस्टर भी नहीं बनाया है भाई, कॉर्न का तो बनाने पड़ेंगे भाई इसके हेडर। ओ भाई थोड़ा सा पीछे से ऑन करना भूल गया। ये क्या इनसफिशियंट पावर, ओ भाई एक मिनट। तो ये कह रहा है कि उसके अंदर पावर नहीं है, यानी कि जितनी पावर इसको चाहिए चलाने के लिए, इसको चाहिए तगड़ा हार्वेस्टर जिसकी हॉर्स पावर ज़्यादा हो, इसकी कम है। तो हमें छोटे छोटे लगाने पड़ेंगे। तो ये जॉन डियर का हो गया, ये एक मिनट 9 मीटर का हो गया, ये भाई 9 मीटर का है। तो ये क्लास का हो गया 9 मीटर का, तो ये लगाने पड़ेंगे भाई छोटे। तो जॉन डियर का है 6 मीटर का, हाँ ये लगाना पड़ेगा भाई। ये दो ले लिए मैंने, इसको उतार देता हूँ भाई अब गैराज में चल के एक बार उसको वापस कर दूँ। यार बहुत पंगा हो रहा है सच में, हो क्या रहा मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। चल भाई वापस चल, कौन नहीं कट रही भाई आज देखो। आज पहली बार कौन काटी मैंने हिंदू और स्वराज के साथ, तो आज पता लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसका। इसका अच्छा अच्छा सेंटर में भाई, मैं तो हरी हरी घास के अंदर नजर ही नहीं आ रहा यार कहाँ पर। ये लग जाएगा शायद, देखते हैं। इनसफिशियंट पावर अवेलेबल टू अटैच इक्विपमेंट, इसके साथ अभी भी पावर नहीं आ रही, ये अभी भी नहीं काटेगा। तो ये कम पावर के हैं, इनकी पावर कम है। एक मिनट ऑन ही नहीं हो रहा भाई, वो ये ऑन ही नहीं हो रहा भाई। चल भाई ओके, तो यहाँ पे हिंद तो फेल हो गया, हिंद के साथ कुछ नहीं चलने वाला। हिंद को चाहिए और छोटा हार्वेस्टर। एक मिनट भाई अब चलते हैं स्वराज में, देखते हैं स्वराज कर लेगा इसके साथ काम। तो अभी तो स्वराज खड़ा हो गया था भाई कंबाइन स्वराज की। चल भाई ले आ वापस, कहाँ गया हेडर। तो देखता हूँ इसकी शायद इसके साथ पावर इसकी पूरी हो, ये उठा ले और ये काम कर ले। ये जो दिक्कत आती भाई खेती बाड़ी में, देखो देखते हैं भाई ये करता है काम। डाउन हो गया, हाँ भाई ये काट देगा, ये काट देगा भाई, ये काट देगा भाई, इसमें पावर है। चल 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 चल, हाँ लो अब कौन कटने लगी भाई। आधा घंटा हो गया कोशिश करते करते। ओ भाई अमन आ गया यहाँ पे, चलो इसको काटने देते हैं। तो हिंद अपने पास बच गई है, एक मिनट ग्यारह में चलते हैं लीज आइटम में। तो इसको कर देते हैं वापस, ये नहीं वापस हो सकता। अच्छा ये नहीं होगा भाई, ये वाला होगा, ये तो बेकार निकले। अरे
अच्छा ये इसने लगा रखा है क्या? एक मिनट, चल भाई ओके। तो वो तो काटने लगा, अब रह गई अपनी हिंद। तो हिंद के साथ भी भाई कोई लगाते हैं, हिंद के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये है भाई छोटा सा 3 मीटर का, ये है 3.5 मीटर का, उसके बाद मैंने ये लगाया था 6 मीटर का ये। तो हिंद शायद इससे काट देगी 3 मीटर वाले से, देखते हैं इसको लगा के। तो वो आ गया भाई छोटा सा, ये 3 मीटर का है, तो हिंद के साथ छोटा सा लगा के देखते हैं। तो टाइम तो लगेगा अब, लेकिन अब काम तो करना ही पड़ेगा भाई। चल 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 चल, थोड़ा सा बस ठीक है, ओके बस ठीक है, लगा ले इसको, इसको लगाता हूँ बीच में। तो ये जितना देखो, जितना साइज उसका है वो, यानी कि 1 2 3 5 लाइन काटेगा ये, देखता हूँ ये ऑन करके। हाँ ये काट देगा, क्योंकि इसके साथ कोई एरर नहीं आ रहा। तो अभी देखता हूँ खेत किधर गया अपना भाई, इसको लगाता हूँ थोड़ा सेंटर में। तो यार 10-15 मिनट मेरे को समझने में लग गए। देखो आपके सामने मैंने इसलिए करा है ताकि जिन्होंने इन मॉडलों को बनाया है, जिन्होंने ये हार्वेस्टर बनाए हैं, उनको पता लगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो इसको सॉल्व कर दें और मुझे भेज दो अगर भेजना चाहते हो, नहीं तो आप अपने लिए सॉल्व कर लो भाई इसको। और इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ भाई सेंटर में। तो हिंद की टोटल स्पीड 20 की है, अब ये कटिंग जब करेगा उस टाइम देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। चल भाई चल 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 यहाँ पे, और इसको लगा दे, बस यहीं पे लगा देते, बस ठीक है ठीक है। तो करते हैं इसको ऑन, बी से, वी से डाउन, अच्छा डाउन तो था ही भाई। पीछे ले भाई एक बार, पहले पीछे 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 भाई, इसकी स्पीड बहुत ही कम है। अब काटने लगा भाई, ओके चल चल चल, अब कटिंग हो रही है भाई हिंद के साथ देखो। और ये देखो कितनी लाइन काट रहा है, बस इतनी छोटी सी लाइन काटेगा ये, और इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख है। चलो ठीक है, यहाँ चलते हैं एक बार बॉबी भाई के पास। बॉबी भाई की स्पीड तो 25 की है, लेकिन प्याज अभी कितना मिल गया भाई, 1,076,000, मतलब कि 17 लाख। ओ भाई मेरे, यहाँ तो मिल गया होगा 2,20,000। लो भाई यहाँ 18 मिल गया है, तो 20-20-40 लाख तो हो गया, यानी कि 4 मिलियन अपन पास प्याज हो चुका है, 4 मिलियन भाई, मज़ा आ गया। और ये प्रहलाद ने अभी तक भाई, इसने 1 2 3 लाइन काट दी भाई, 3 लाइन कटी भाई इसके साथ हिंद के साथ, क्योंकि हिंद की स्पीड भाई बहुत कम है, 10 की है। तो ये देखो ये भाई बहुत पतली लाइन कट रही है। तो अब यहाँ तो मुझे कोई ना कोई और लगाना पड़ेगा, तो यार इसको हटा देता हूँ ना। हाँ ठीक है ना, वो वापस हो गया। अपने पास 3 है, 3 अलग अलग कंपनी के, हीरा के साथ हीरा काम कर रहा है, हिंद के साथ ये काम कर रहा है कपैलो का 3 मीटर वाला, और भाई उसके साथ काम कर रहा है 6 मीटर का, उसकी स्पीड 10 की है, ये जॉन डियर का। तो ये ऐसे काम हो रहा आज। ओ भाई वो तो खड़ा हो गया था मेरे तो, भाई देख के नज़ारे आ गए उसको। चलो ठीक है यार, इसको कटने देता हूँ अभी तो, मैं अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी इसको काट के बेचना भी है। अब देखते हैं पहले ये कौन कटती है कि पहले प्याज कटती है। वैसे तो पहले प्याज ही कट जाएगी, क्योंकि ये इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ये भाई बहुत छोटे छोटे हैं, और इस एक गेम प्ले को बनाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं, और आप फिर भी शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को ग्रो करवाने में मदद करो यार, ताकि मैं भी ऐसे गेम प्ले आपके लिए बढ़िया बढ़िया बना कर लाऊं। ठीक है दोस्तों, चलो यार इसको कटने देते हैं, थोड़ी देर में आपको देता हूं अपडेट कि क्या हुआ। तो लो भाई आखिरकार अपना भाई प्याज कटी गया, दोनों हार्वेस्टर अपने खड़े हो गए हैं, अब दूसरे की एक बार आखिरी लाइन कट रही है, और ये भाई इसने काट दिया। तो स्वराज को लाया था मैं यहाँ पे, अब लगाता हूँ इसको इसके नीचे। हेल्पर बॉबी ने भी काम ख़त्म कर दिया, और संधू भाई तो काम ख़त्म करके जा चुके हैं। और भाई अब इसको भी लेना है इसको, और इसका हटाते हैं भाई हार्वेस्टर, और इसको करते हैं पाइप को खोल के चलते हैं इसको लेके। अरे यार मैं कभी कभी कीबोर्ड से चलाने लग जाता हूँ यार, तो इसको भी डाल देते हैं जल्दी से घुमा के उधर से। और यार कॉर्न तो अभी कटी नहीं भाई, कॉर्न में तो बहुत ही टाइम लगने वाला है, कम से कम अभी तो 4-5 घंटे और लगेंगे। तो अभी बता तो मैंने एक हेडर चेंज कर दिया हीरा का, मैंने हार्वेस्टर उसका हेडर मैंने लगाया फास्ट वाला, क्योंकि भाई उससे तो काम ही नहीं चल रहा था। डाल देगा, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, बस ठीक है। तो एक ट्रॉली है मेरे पास बड़ी वाली, तो ये ट्रॉली है अपनी भाई 10 मिलियन की।
और भाई स्वराज को भी मैंने धोया था थोड़ी देर पहले यार, देखो इसकी हालत फिर ऐसी हो जाती है। इसके टायर देखो यार कितने गंदे हो गए। तो अभी तक हमें मिल गया भाई 80 लाख प्याज, 8 मिलियन। तो देखता हूँ ट्रॉली अगर फुल हो गई तो भाई फिर और मंगानी पड़ेगी। नहीं हो गया, एक सेकंड। अरे भाई छोटा तो हो जा। हाँ हो गया भाई ख़त्म। तो प्याज मिला भाई 87 लाख, 8.7 मिलियन। तो देखते हैं आज इसको बेच के, और फिर चलते हैं कॉर्न वाले के पास अपने भाई, देखते हैं कॉर्न वाले तीनों क्या कर रहे हैं। और ये प्याज बिकेगा भाई सामने ही, मैंने टैग कर दिया। तो ये अभी अपने प्याज गंडे गंडे ले लो भाई, 1 रुपये किलो। चलो यार रुपया काट हो गया, 5 रुपये किलो। यार प्याज वैसे 40-50 रुपये किलो हो रहे हैं, तो मैं आपको दे दूँगा भाई 5 रुपये किलो। बोरियाँ भर भर के ले जाओ, आ जाओ। तो इसको लेकर चलते हैं, यहाँ पे बिकेगा ये कौन सी जगह भाई, ट्रेन, अच्छा स्टेशन है भाई। तो इसमें ट्रेन तो चलती नहीं है, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी भाई ने, ट्रेन नहीं है इसके अंदर। तो ये कहाँ पे बिकेगा भाई, ओ पॉइंट पीछे बना रखा भाई, छुपा के बना रखा है, क्या बात है। तो यहाँ पे बिकेगा प्याज, और प्याज का रेट है मैं अभी आपको बताऊँगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो करते हैं भाई प्याज को फटाफट यहाँ पे डाउन, आई मीन ये 1000 रुपये अपना प्याज बेचते हैं। ये भाई, ओ भाई 17 मिलियन भाई, 8.3 मिलियन का प्याज बिका अपना आज। तो प्याज का रेट चल रहा था 950 रुपये। तो करते हैं वापस ट्रैक्टर को, आ जा इधर को आ जा। अब चलते हैं अपने खेत पे वापस, और देखते हैं प्याज वालों ने, उस कॉर्न वालों ने क्या कर दिया भाई। मक्की मुक्की कट्टी के नहीं, वो भी बेचनी है। तो मकई जो हीरा का हेडर था भाई, वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने उसमें बड़ा हेडर लगा दिया 9 मीटर वाला। वैसे तो मेरे पास हेडर और भी है 36 मीटर का, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, मज़ा नहीं आएगा। तो वो हेडर जो मैंने लगाया 9 मीटर का है वैसे, लेकिन उसकी स्पीड है 40-42 की, तो वो ज़रा जल्दी काट देगा। लेकिन हिंद का और स्वराज का भाई बहुत ही स्लो काम हो रहा है, क्योंकि उनमें स्पीड बहुत कम है, तो 10-10 की स्पीड से काट रहे हैं। उनके हेडर भी भाई छोटे छोटे हैं, उसका हेडर हिंद का 3-4 मीटर का है, और उसका 6 मीटर का है स्वराज का, तो इसलिए टाइम लग रहा है। और इस खेत में भाई अभी मुझे करनी है प्लोइंग, उसके बाद फिर मुझे लाइम भी डालनी है। इस खेतों में भी मुझे प्लोइंग करनी है, मतलब प्लोइंग और लाइम का अगली बार करेंगे काम, आज तो भाई हो ही नहीं पाएगा। तो पहले मेरा ट्रॉली को खड़ी कर दूँ। अब कॉर्न मैं बेचूँगा आज उसके साथ भाई, न्यूहोलैंड के साथ। और हिंद ने देखो अभी इतना सा काम करा भाई, और ये लगा हुआ अपना हीरा यहाँ पे, हीरा तेज़ काम कर रहा, क्योंकि हीरे के साथ तो हार्वेस्टर सारे लग रहे हैं, बाकी उनके साथ हार्वेस्टर नहीं लग रहे। और ये कोने कोने पे क्यों नहीं काट रहा भाई, ये कौन काटेगा। तो चलो मैं एक बार इसको खड़ा करके आता हूँ यार, यहाँ पे मैंने दोनों ट्रॉली खड़ी कर रखी हैं अपनी भाई, लाल के साथ लाल ट्रॉली और नीले ट्रैक्टर के साथ नीली ट्रॉली। तो यार कलर कॉम्बिनेशन ज़रा होना चाहिए ना अच्छा सा। ठीक है भाई अब चलते हैं, इनको वापस बाद में कर देंगे यार अभी कुछ। तो ये है ये लगाया मैंने हेडर, ये है 9 मीटर का, इसकी स्पीड है भाई 42 की, लेकिन इसने भी अभी तक भाई इतना सही काटा है, कोई खास नहीं काटा। और ये देखो ये अभी कटना बाकी है, और हिंद ने देखो अभी तक काटा है 36,000, सिर्फ 36,000, और भाई इसने काटा है अभी तक 75,000। तो इनके साथ तो बहुत टाइम लगने वाला है, और ये इतना गंदा हो गया है कि जैसे इसने पता नहीं कितने लाख कितने क्विंटल माल काट दिया हो। तो इसकी स्पीड देख रहे हो तो 42 की आ रही भाई, पूरे 42 की। तो चलो अब वो तो बिक गया अपना आज, और अभी अपने घोड़े की अपडेट देख लेते हैं। प्याज तो बिक गया, तो घोड़े यार अपने अभी महंगे नहीं हुए, 22,000 के हुए सिर्फ। और गाय मेरे पास अभी 22-23 ही हैं, और गाय ने अभी तक स्लरी और मैन्योर इतना दिया, दूध भी कम ही है, 28,000 है। तो यार अब बेचना है इसको, थोड़ा सा और बढ़ जाए, एक लाख तो हो कम से कम। तो अगली बार बेच देंगे, एक काम करेंगे प्लो के लिए हेल्पर लगा दूंगा भाई मैं, और हेल्पर लगाने के बाद अपनी काऊ का और घोड़े का देखेंगे जो होगा। ठीक है तो अभी तो ये कौन काट के बेचनी है बस मेरे को आज, और कोई काम नहीं है। तो आज हमको फ़ायदा हो गया भाई बहुत ज़्यादा, कहाँ पे गए पैसे। तो ये तो अपना भाई किराया वराया चला गया, और अपने को रोज़ का 12,600 रुपये मिलता है इनकम जो हमें होती है सोलर प्लांट से, जो मैंने सोलर प्लांट लगा रखा है। तो आज पिछली बार भाई हमने बेची थी गाजर, और 9.4 यानी कि 94 लाख रुपए मिला था, $94 लाख।
प्याज से कम मिले हैं 83,000, क्योंकि गाजर का रेट ज़्यादा था और उसके पहले मैंने शायद पता नहीं क्या फसल बेची थी। तो दो तीन दिन लग गए मेरे को फसलें पकाने के लिए। और ये यहाँ पर मैंने 1.7 का पता नहीं कौन सी, मुझे लगता राइस चावल बेचे थे, हाँ चावल बेचे थे शायद, ये उसके पैसे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी फसल लगाऊँ जो कि अपने हार्वेस्टर आराम से काट लें, जैसे सोयाबीन वगैरह। तो आप कमेंट करके बताते नहीं हो यार कौन सी फसल लगानी है आपको, कौन सी फसल देखनी है। इसके अंदर सारी फसलें हैं, यहाँ पर देखें तो इसके अंदर राई भी है, चेरी भी है। तंबाकू मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि तंबाकू मैं नहीं लगाता। बाकी रेड कैबेज है, कैबेज है, ये सब लगा सकते हैं। पॉपुलर है, शुगर केन है, शुगर केन हमने शायद बेच दी थी। अब पता नहीं आपको जो फसल देखनी है इसमें से वीट, बार्ली, ओट, कनोला मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। अभी तो इसको कट्टे देते हैं भाई। अभी तो इसमें ये देखो, इसमें प्लो की ज़रूरत भी है, लाइम की ज़रूरत है, इसको भी प्लो की ज़रूरत है। तो ये मैं करूँगा अगली बार। तो कहाँगे भाई, अबे कहाँगे भाई, हाँ यही तो है। तो अभी तो भाई अपनी इतनी और इतनी इतनी सारी कॉर्न कटनी बाकी है, और ये जो कोने पे नहीं काट रहा मुझे इसको भी काटना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको मिलूँगा जब कॉर्न कट जाएगी तब। भाई अब तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मुझे अभी टाइम लगेगा बहुत। तो लो गाइस, आखिरकार भाई 5 घंटे के बाद कॉर्न कट गई भाई अपनी। 5 घंटे लग गए टोटल, सुबह 10:30 बजे काम शुरू करा था और भाई 3 बजने वाले हैं। और ये बस हीरे से आखिरी लाइन काट रहा हूँ मैं, और बाकी हिंद ने और सबराज ने काम ख़त्म कर दिया, उनको मैंने खड़ा कर दिया साइड में। उन्होंने काम तो ख़त्म नहीं करा था लेकिन उनकी स्पीड के हिसाब से भाई फिर मैंने उनको हटा दिया। मैंने सारा काम फिर हीरे से ही करा क्योंकि वहाँ उनकी स्पीड बहुत ही कम थी तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो देखो इसने काटा है भाई 8 लाख। इसको करते हैं भाई बंद और फोल्ड कर लेता हूँ एक बार इसको। अब ले चलता हूँ इसको वहाँ अपने फार्म हाउस के पास। मैंने उन दोनों हार्वेस्टर को वहाँ पे खड़ा कर दिया कंबाइन को। तो अब निकालते हैं इनमें से कॉर्न और बेचते हैं भाई इसको जल्दी से। और ये भाई अपना हीरा। तो अगर मैं हार्वेस्टर ये वाला जो हेडर है हाई स्पीड वाला भाई ये नहीं लगाता ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता भाई फिर। तो इसलिए मुझे हेडर चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो फिर हेडर दूसरे भी जो हैं हिंद और हर दूसरा स्वराज का भाई, वो भी उनके हेडर भी अच्छे होते, बड़े होते तो मज़ा आता, लेकिन उनके साथ हेडर ही नहीं थे। अरे भाई शोर में जाओ, बंद करो आवाज़। सॉरी भाई, मेरे घर वाले ज़रा बोल रहे हैं, संडे है, सारे घर पे ही हैं। तो मैंने दोनों को यहाँ पे लगा दिया और पाइप वाइप निकाल दी भाई इनके, और इसको लगाता हूँ यहाँ पर। और इनसे तीनों से बस माल लेना है यार, और बस 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 ओके चलते हैं भाई अपने फटाफट भाग के न्यूलैंड के अंदर। और ये देखो ये एक खेत भाई मतलब 13-14 एकड़ से लेकर 18 एकड़ का है। तो मेरे पास हैं 8 खेत, तो आप लगा लो कितना हो गया। तो मतलब 125-150 एकड़ के आसपास, 125 एकड़ हो गया शायद। तो ये इतनी जगह है। और भाई अब प्लोइंग व्लोइंग करनी है, लाइम डालनी है, चलो अगली बार डालेंगे। अब न्यूलैंड को लेकर चलते हैं जल्दी से और माल अपना बेच के आते हैं। और भाई मैंने स्टीयरिंग फिक्स कर लिया है थोड़ा सा, अब सही है। तो कभी कभी सेटिंग हो जाती है गड़बड़ यार। चल भाई डाल दे फटाफट। तो हीरा तो जल्दी डाल देगा, देखते हैं इससे 8 लाख कॉर्न। और हाँ यार कॉर्न का रेट देख लीजिए, जब तक ये डाल रहा है तो कॉर्न का रेट मैंने अभी देखा नहीं था। कॉर्न अपनी कहाँ पे थी भाई, अरे कॉर्न कहाँ चली गई, ये रही 812 पे रेट है ट्रेन स्टेशन हस्की। अच्छा तो भाई वहीं पर बिकेगा जहाँ पर प्याज बिका था, तो आज लगता है सारा माल वहीं पर बिकने वाला है। तो अब चलते हैं न्यूलैंड को निकालते हैं जल्दी से यहाँ पर। और किधर गई, ये खड़े भाई दोनों, इन दोनों ने काम बहुत स्लो कराया यार, इसलिए बहुत टाइम लग गया, तो ये दिक्कत थी। चल भाई ओके, थोड़ा सवरा के लाते हैं, बस भाई डाल दे डाल दे डाल दे। तो FS-19 के अंदर तो ऐसे ही आ जाता है माल, लेकिन FS-22 के अंदर भाई हार्वेस्टर के अंदर जाना पड़ता है, तो ये दिक्कत है। वैसे वो ठीक है, अगर हार्वेस्टर के अंदर बंदा नहीं बैठा होगा जब तक वो बटन नहीं दबाएगा पाइप से माल बाहर कैसे आएगा, तो ये दिक्कत है। चलो अब लेते हैं भाई इससे, हो गया नहीं अभी नहीं हुआ, तो उससे ज़रा धीरे आ रहा भाई। 10 लाख 1 मिलियन हो चुका माल। चल 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 चल, अब डाल दे बंद कर भाई। आ जा आगे लिया। हिंद में देखते हैं कितना है, हिंद ने काटा भाई 50,000 और स्वराज ने काटा है 1.5 लाख के आसपास, और हीरा ने काटा है भाई 8.5 लाख। तो मतलब टोटल मिला के इतना हुआ। और हिंद अभी स्लो डाल रही थोड़ा सा,
क्योंकि हिंदी की सेटिंग नहीं करी भाई। न्यूजीलैंड का हॉर्न ट्रेन का लगा रखा मैंने। तो ये है हिंद, इसके अंदर माल कहाँ पर आता है ये नज़र नहीं आता, जैसे कि इसका हार्वेस्टर में जगह कहाँ है वो नज़र नहीं आती, लेकिन स्वराज के अंदर आता है माल अंदर यहाँ पे, और हीरा में भी नज़र आता है। चल भाई अभी तो आया जा रहा है इसमें से, तो हिंद को हटा दूंगा मैं। हिंद का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके साथ हेडर नहीं है भाई, कॉर्न का तो बिल्कुल ही नहीं है। और देखता हूँ अगर इसके साथ कोई अच्छा हेडर मिले, और भाई इसका वजन भी कम है, इसकी हॉर्स पावर वगैरह बढ़ानी पड़ेगी तब जाके ये काम करेगा। तो हिंद की सेटिंग करनी पड़ेगी पूरी, इसको वर्कशॉप में ले जाना पड़ेगा। चल भाई डाल दे, बहुत स्लो डाल रहा है यार। अभी इसके अंदर 50,000 है, अगर इसके अंदर 5 लाख होती तो ये तो भाई रात कर देता डालते डालते बहुत स्लो डाल रहा है यार, देखो 600, 700, 800, 900 बहुत स्लो आ रही है। तो ये भाई अपनी कॉर्न देख लो, मक्की, ये अभी मक्की के दाने, मक्की के दाने अम्मा चली बनाने, अरे घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने तो भाई मक्की अच्छी होती है खाने में, मक्की के दाने फुल्ले होते हैं और मक्की का आटा होता है बहुत ही बढ़िया होता है, सेहत के लिए बहुत ही भाई फ़ायदेमंद होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोई घी तेल चिकनाई कुछ नहीं होती भाई, इसके रोटी खानी चाहिए और इसके वो जो दाने भून के खाते हैं भाई वो खाने चाहिए, मज़ा आता है भाई इसको खाने में। चल भाई पा दे हूँ, कितना टाइम लाऊंगा, 90 वाले आओ भाई, 90 वाले तो बहुत टाइम लाता भाई, ये तो मेड इन पंजाब है, हिंद ब्रैवो इसको बनाया भाई राजपूत ने, राजपूत भाई पता नहीं कहाँ खो गए हैं यार, कभी कभी मैसेज कर देता है भाई व्हाट्सएप पे, पता नहीं कहाँ चला गया भाई ये सच में यार बहुत ही टाइम लगा दिया। चल भाई जाना भी बेच के घर, अबे यार रात करवा दी। तो भाई आज सुबह से लगा था इस, मैंने सारी फसलें लगाई फिर पकाई, तो आज सुबह से कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पे, जितने भी मेरे चैनल हैं 4-5, किसी के ऊपर भी कोई वीडियो नहीं डाल सका मैं, क्योंकि इसके चक्कर में डैम नहीं मिला। तो इसलिए मैं FS19 और FS22 के वीडियो कम डालता हूँ, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। बाकी गेम प्ले में क्या होता है, सीधे उठाया और चलानी शुरू कर दी गाड़ी, ट्रक चलाया, बस चलाई, लेकिन भाई इसके अंदर पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ तैयार करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बावजूद भी इसके ऊपर जब इतने व्यू कम आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करा करो यार कि थोड़े अच्छे से व्यू लाया करो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन वगैरह। अब बताओ यार इसकी ये डालने के लिए समझ नहीं आ रही यार, ये क्यों नहीं डाल रहा, देखता हूँ उसके अंदर चल के। ओ भाई इसके अंदर अभी 40,000 बाकी है, इसके अंदर टोटल 50,000 था। तो लो यार इतनी देर हो गई और देखो ये अभी तक डाले ही जा रहा है, डाले ही जा रहा है भाई, इसकी तो स्पीड बहुत ही कम है। अब जाके इसमें 1400 बचा है, 1400 माल, 1200 फसल बची है, 1900, 800 भाई ये इतनी स्लो डाल रहा है कि भाई ज़िंदगी निकल जाएगी, अगर इसमें 5 लाख माल होता मैं तो पागल ही हो जाता। तो ये अब जाके ख़त्म हुआ। चल भाई हिंद शुक्र है यार इसने डाल तो दिया। लो भाई अब चलते हैं न्यूजीलैंड में और बेच के आते हैं भाई इस माल को, आई मीन अपनी फसल को। कौन आज हमें मिली है भाई 1 मिलियन, तो 1,72,701 क्वांटिटी मिली है टोटल आ भाई न्यूजीलैंड। और देखो यार नीली ट्रॉली के साथ भाई नीला ट्रैक्टर क्या जच रहा है भाई, मार दे इसी खुशी में फिर छोटा सा हॉर्न। और ये ट्रॉली के पहिए चल क्यों नहीं रहे भाई, एक मिनट, ट्रॉली चल क्यों नहीं रही अपनी, क्या हो गया भाई, चल रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था ट्रॉली के पहिए जैसे खिसक रहे हैं। और थोड़ा सा काम करो यार, ट्रैक्टरों के टायर देखो कितने गंदे हो जाते हैं भाई, इसको साफ करने में फिर हालत ख़राब हो जाती है, वाशर प्रेशर, प्रेशर वाशर मारना पड़ता है। तो प्रेशर ना हो, प्रेशर वाशर ना हो तो भी टाइम लगता धोने में। चल भाई न्यूजीलैंड चक दे, फट्टे फटाफट खींच दे, और गड्डी वाले देख के भाई, ए गाड़ी वाला देखो क्या स्पीड में जा रहा है भाई, आहा भाई न्यूजीलैंड जाना छलांगा मारना। लो भाई अरे सीधा चला लो यार, इसमें थोड़ा स्टेयरिंग ऐसे ही चलता ये। चल भाई फटाफट बेच के इसको, देखते हैं आज कौन से कितने पैसे मिलने वाले हैं, टोटल आज कितने का फ़ायदा हो जाएगा भाई, 10 मिलियन का हो जाएगा क्या। तो मेरे पास थे 9 मिलियन, अब अपने पास हो जाएगा 17 मिलियन, काफ़ी दूर है यार जगह, चलो जितनी दूर होगी उतना मज़ा आएगा इसको ड्राइव करने में। भगाते हैं इसको ज़रा सीधा सीधा, कोशिश करते हैं इसको सीधा चलाने की। इसमें FS19 में गाड़ियाँ सीधी नहीं चलती, मतलब स्टेयरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, FS22 में बहुत मज़ा आता है।
ओ भाई, लेकिन गेम वाइज देखें तो FS19 अच्छी है, FS20 स्टीयरिंग के लिए अच्छी है। लो भाई पहुंच गए उसके पास, और आज दोनों माल भाई वहीं पे क्यों बिक रहे हैं यार, एक ही जगह पे बिक रहे हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि ये कहीं पर और बिकेगा, कौन कहीं और बिकेगी। लो भाई मक्की अपने को हो चुकी है 10 लाख, किसी ने चाहिए बोरियाँ बोरियाँ भर के ले आ जाओ। किधर है भाई, एक मिनट काट दे जरा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, चल भाई निकाल दे इसको। तो लग रहा है ना बिल्कुल अपने गांव का भाई, गांव का स्टाइल देखो, हम किसी पिंड में जा रहे हैं, पिंड से जा रहे हैं अपना बेचण कणक अपनी, सॉरी मक्की, कणक याद आ गई यार, क्योंकि कणक ज़्यादा मशहूर है ना, कणक भी भाई, कणक मतलब गेहूँ तो पूरी दुनिया में चलती है। चल 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 भाई, अभी पहुँचे नहीं, वहाँ जाना भाई पीछे। ये चबूतरा सा क्या बना रखा है इन्होंने, ये चबूतरा भाई माल वगैरह लोड होता है, माल उतरता है, फसलें वगैरह उसके लिए बना रखा है, क्योंकि रखना पड़ता है ना, आपने देखे होंगे मंडियों में ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने होते हैं ऊंची जगह। लो भाई आखिरकार ले आए यहाँ पर और बेचते हैं इसको। चल 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 जल्दी, इससे पहले कि ट्रेन आ जाए, वैसे तो इसमें ट्रेन आती नहीं है। लो भाई ये गई अपनी हैं बस भाई, 8 लाख रुपए की बस, 8 लाख डॉलर की, 8,73,000 यानी कि 9.5 लाख, तो बहुत कम पैसे मिले यार। कॉर्न, और कॉर्न में भाई इतना टाइम लग गया, तो मतलब प्याज वगैरह बेचने में और बाकी सामान फसलें बेचने में फ़ायदा है। तो ये अपना खेत है देखो, इसमें अभी फसल कट गई है और प्लॉइंग करनी है इसकी, तो कॉर्न से भाई कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इसको देखें तो आज फसल का वो स्पीड भाई जीरो हो गई, अच्छा ट्रैक्टर खड़ा हो गया, तो आज पिछली बार से कम फ़ायदा हुआ। देखो पिछली बार हुआ था 9.4 लाख का, आज हुआ है 9.2 मिलियन, तो 1 मिलियन में होते हैं भाई 10 लाख, तो इतना फ़ायदा हुआ आज। चल भाई इसको खड़ा करते हैं और इसको खड़ते हैं, आज का गेम प्ले ख़त्म। तो बताओ यार कमेंट लाइक करके कैसा लगा, और अगर आप नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और मेंबरशिप भी है अपनी, मेंबरशिप जो जो भाई ले सकता है ले लो यार, नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ, अगर आप ले सकते हैं तो ले लो, बाकी आपकी मर्जी। तो न्यूलैंड की पूरी फुल स्पीड है 90 की, लेकिन इसकी हॉर्स पावर कम है इसलिए कम खींच रहा है। चल भाई ट्रक हट जा, ट्रक वाला जा रहा भाई, मिक्सचर इसमें भी चलता है यार, मिक्सचर जा रहा भाई देख। तो ये है कैनेडियन प्रोडक्शन मैप का अगला पार्ट, शायद 12वां पार्ट है यार, मुझे ध्यान नहीं है, तो देख लेना आप। तो इसके अभी देखता हूँ कितने पार्ट और बनाऊँगा, तो इन पार्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो शेयर वेयर कर दिया करो यार और सपोर्ट करा करो। तो पिछले वीडियो पे आपके भाई कई भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, बहुत प्यारे प्यारे भाई, सबका दिल से शुक्रिया है, दिल से धन्यवाद है। और कितनी स्पीड हो गई भाई तेरी, स्पीड कम हो रही है भाई, 60-70 की हो रही है। चलो इन हार्वेस्टरों को मैं लगाता हूँ ठिकाने, अब इनको भी करना पड़ेगा भाई, और अगली बार मैं प्लो का वीडियो बनाऊँगा, मतलब प्लो करेंगे अगली बार, तो फिर देखेंगे प्लो कैसे होगा, और लाइम डालेंगे फिर लगाएंगे फसल। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी फसल लगाएं। अब मैं ट्रैक्टर को धो के भाई खड़ा कर दूं जरा, क्योंकि यार ये बहुत गंदे हो गए हैं। तो बटन दोनों में सेम है, FS19 और FS22 के अंदर सारे बटन सेम काम करते हैं जैसे उसमें है। तो अगर ट्रैक्टर को देखें तो ये देखो अब साफ हो गया, खेत में चलता है तो ट्रैक्टर के भाई टायर गंदे हो जाते हैं, स्वराज बहुत जल्दी गंदा हो जाता भाई, देखो इसके मड़गाड़ के ऊपर अगर ध्यान से देखो, अबे यार ऊपर क्यों चढ़ गया भाई उसके, तो यहाँ पर देखो मिट्टी लग जाती है, तो ये उठा क्यों नहीं रहा मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा मैंने लगता है मैंने बटन बदल दिया, तो बटन चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। चल भाई हट जा। चलो यार ठीक है, ये था आज का गेम प्ले भाई, तो बताना कैसा लगा। आज हमने कॉर्न काटी इतनी सारी 150-125 एकड़, तो 200 एकड़ आज हमने भाई अपनी प्याज काट के बेची गंडे, तो गंडे बेच के बहुत फ़ायदा होया, लेकिन कॉर्न जो फ़ायदा नहीं होया। तो चलो अगली बार जो फसल देखनी है फटाफट से कमेंट करो और बताओ कैसा लगा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और खेती बाड़ी करके मस्त रहो। ओके दोस्तों, बाय बाय।